भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरूथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको वरूथनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वरूथनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत आपको कब प्रारंभ करना है, एकादशी में कौन कौन से नियमों का पालन करना है तथा वरूथनी एकादशी व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको वरूथनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल दो अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में दो बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मों के कई पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल 2023 शनिवार को रात 8:53 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल 2023 रविवार की शाम को 6:22 पर होगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को वरूथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए एवं वरूथनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय 17 अप्रैल 2023 सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस दौरान यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, तो आप फल जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन करना है। वहीं वरूथनी एकादशी का महापर्व 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन रहेगा। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। कांसे के पात्र में इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और दशमी के दिन कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन आपको करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में उस भोजन के निमित्त कुछ न कुछ रुपए पैसे दे करके और उसका प्रायश्चित आप कर सकते हैं। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 के बीच में स्नान आदि कर्म आपको संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले नित्य का पूजन अर्चन करें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, गौ माता की सेवा तथा पूजा करें और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हमेशा आपको भगवान के स्थान यानी देव स्थान या देव मंदिर में आसन लगा करके
अपने घर के पूजा घर में आसन लगा करके भगवान की तरफ मुंह करके अपने सामने जल का पात्र शुद्ध घी का दीपक लगाएं और एक पूजा की थाली में रोली चंदन और चावल के स्थान पर जौ और तिल रख पीला पुष्प रखे, कुछ पैसे रुपये दक्षिणा भी आपको रखना चाहिए। और आपको संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले जल रखना है हाथ में, सुपारी रखना है, सिक्का रखना है, गंध अक्षत पुष्प अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। और संकल्प हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी अनुरूप आपको उसको सुनते हुए संकल्प धारण करना चाहिए। आप सभी बोलिएगा 3 बार, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेवच योगश्चोकर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्यप्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नामनि नगरैः संवत् 2080 पिंगल नामक संवत्सरैः वैशाखमासैः कृष्णपक्षैः अध्यायः वरुथिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवाश्रान्वितायां मा षड्भिषा दिवस नक्षत्रैः कुंभ राशि स्थिते श्रीचंद्रैः मेष राशि स्थिते श्री सूर्यैः मीन राशि स्थिते श्री देवराजगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप इस समय उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना जो भी पूरा नाम है वो सरनेम के साथ आपको बोलना चाहिए। यदि आप अपने किसी भी मृतक पितर या पूर्वजों को एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र भी इस समय आप उच्चारित कर सकते हैं। और आप मन ही मन हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यस्य विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्णचंद्र परमात्मने देवताः प्रीत्यर्थंच वरुथिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। भगवान के सामने संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से आज वैशाख महीने की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम वरुथिनी एकादशी व्रत धारण कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। और एकादशी के दिन माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को आप रोटी दाल चावल अन्न आदि खिला सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल ही बताए गए हैं, लेकिन आप मूंगफली दाने साबूदाने या अन्य जो फलाहारी वस्तु हैं जो कि शुद्ध सात्विक हो उनका उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी सेविंग नहीं करवाना चाहिए, कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान अथवा अनादर नहीं करें।
एकादशी के दिन दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। और दिन में आप जब भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उस समय आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके तांबे का लोटा और आम के पत्ते नारियल रख करके कलश की स्थापना करके भगवान का पूजन करें, कलश का पूजन करें। और यदि आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है तो केवल साधारण रूप से आप प्रभु का पूजन करके और ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, क्योंकि दक्षिणा जब आप प्रदान करेंगे तो ही आपको एकादशी का पुण्य प्राप्त हो पाएगा। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत का पारणा आपको 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन सुबह 6:30 से लेकर के 7:30 के बीच में कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है उसके विषय में हमारे शास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय या नियम बताए गए हैं। विष्णु पंचक के नियमों के अंतर्गत सभी वैष्णवों को इनका पालन करना चाहिए। एकादशी दो प्रकार की होती है, पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। विद्धा एकादशी दो प्रकार की होती है, पूर्व विद्धा पराविद्धा। पूर्व विद्धा का अर्थ होता है दशवीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी तिथि का नाम मात्र भी अंश रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्धा दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली होती है, पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इसलिए पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पराविद्धा एकादशी का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्धा एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि ही, द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्तों को पराविद्धा एकादशी ही व्रत के रूप में धारण करनी चाहिए। एकादशी जो ऐसी होती है उसका पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से पुण्यों का क्षय होता है। एकादशी व्रत हमेशा जो है द्वादशी युक्त ही करना चाहिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार वरुथिनी एकादशी में इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति निर्मित नहीं हो रही है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के बड़े प्रेम एवं श्रद्धा के साथ में 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई डरने या घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप ऐसी एकादशी का व्रत अवश्य करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगद्गुरु वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दूस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शोनको ब्रवीत्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दव एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वैणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फूलेन्दीवर कांतिमिंदु वदनं बरहावतन सप्रियं श्रीवात्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोप संघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया नमन किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है उसकी व्रत की विधि क्या है तथा उस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे समझाने की कृपा करें। धर्मराज कहते हैं कि मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह एकादशी सब सौभाग्य को देने वाली है सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर पुण्य देने वाला होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय
एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में भी स्वर्ग को वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। और यदि आपके घर परिवार में कोई भी पितृ दोष हो, देव दोष हो, तो वो अन्न दान से समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन हरण कर लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं अथवा उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का जरूर त्याग करना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। चौथा, चने की साग नहीं खाना चाहिए। पांचवा, कोंडों का साग नहीं खाना चाहिए। छठा, मधु यानी शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। सातवा, दूसरे के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। आठवा, दो बार भोजन नहीं करना चाहिए। नवा, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध मिथ्याभाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित माना गया है। फलाहारी नमक का आप उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी कहीं अधिक है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो वरुथनी एकादशी की प्राचीन कथा, पौराणिक कथा बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी राजा थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू घसीट करके राजा को पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर के भगवान श्रीहरि विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देख करके भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुंदर सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही एक अपराध था। भगवान की आज्ञा से राजा मानधाता मथुरा जाकर के वरुथनी एकादशी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता पुनः स्वस्थ होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। जो भी व्यक्ति
भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के कई जन्मों के अनंत जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उसे मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। भक्तजनों माताओं बहनों अगर आप वरुथनी एकादशी कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, एकादशी के निमित्त गौदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या अन्य कोई भी दान पुण्य यदि आप वरुथनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके वरुथनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा अस करू मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहुं दयामय किस विध मिलहुं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूरण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकृतशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओं मा यज्ञेन यज्ञमय जंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुशान्तार्थ परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। एकराडितिरप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसानगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ॐ विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद सम्बाहुभ्यां नमति सम्पतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओं क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओं सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं ततस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि, तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।